हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्टेप बाय स्टेप स्टडी। गाइस, कैसे हो आप सब? तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको पार्ट वन प्रोवाइड किया था कैलेंडर का, तो अब मैं आपको इस वीडियो में पार्ट टू कराने जा रही हूँ कैलेंडर का। और पिछली वीडियो में मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे, आई होप आपने वो किए होंगे। पहला क्वेश्चन था आपका 14 मई 1985 को मैंने दिया था, कौन सा डे पड़ेगा? तो जब आपने चेक किया होगा उसमें आया होगा आपका ट्यूजडे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो था 21 फरवरी 1896, इसको आपका पड़ेगा फ्राइडे। और जिन्होंने भी ये क्वेश्चंस करे हैं सॉल्व, वो यहाँ से चेक कर लें कि क्या उनका यही आंसर आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है, तैयारी अच्छी चल रही है और आपको समझ में आ गया है कैलेंडर। फिर गाइस, एक मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि 7 अक्टूबर 2016 को कौन सा डे पड़ेगा, पड़ा था, ठीक है? तो अगर आपने निकाला होगा, किसी बच्चे ने किया होगा, तो वो आपका आया होगा सैटरडे, ठीक है? और वो कैसे आया होगा मैं आपको एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके बता देती हूँ। हमने क्या किया था, 7 अक्टूबर 2016 का अगर हमें निकालना है कौन सा दिन है, तो क्या बताया थी मैंने आपको ट्रिक कि पहले 7th का 7 उठा के लिख लो, ठीक है? अक्टूबर का आपको कोड लिख लेना है जो कि है आपका 1। फिर आपको यहाँ से लास्ट की दो डिजिट्स उठानी है अपने ईयर की, वो आप लिखोगे 16, ठीक है? 16 को अब आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से, 4 4 जा 16, ठीक है? 4 बार 4 से पूरा गया तो यहाँ आ जाएगा आपका 4। ओके, इन सबको आपको ऐड करना था। फिर मैंने बताया था क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो 7 8 12 और फिर ये बन गया आपका 2 8, ठीक है? 28 आपका आएगा नीचे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि इस 28 को मैंने क्या कहा था आपको, 7 से आपको करना है डिवाइड। यहाँ जो लिखते हैं वो हमेशा आपका आता है क्वेश्चन, और इसको 7 से डिवाइड करके आपको लिखना होता है रिमाइंडर, ठीक है? 7 से आपने डिवाइड किया 28 को, ये देख लीजिए, हमने 7 से डिवाइड कर दिया, 7 4 जा 28 पूरा कट गया। अब रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, 0। हमने जब लिया था, हमने क्या कहा था, जब भी 0 आएगा, एक मैंने आपको टेबल कराई थी, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 और 0 0, यहाँ संडे से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और यह है सैटरडे, 0 0 सैटरडे का कोड है जो कि हमने किया था पिछली वीडियो में, ठीक है? तो जाहिर सी बात है 0 0 आया आपका रिमाइंडर में, तो आपका क्या होगा, सैटरडे पड़ा होगा। लेकिन गाइस, क्या सच में ही सैटरडे आएगा, तो इसके सवाल है आएगा या नहीं। तो गाइस, मैं आपको इसमें बता दूं, जो हमने ये तरीका पढ़ा था वो बिल्कुल ठीक था, सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है? और जो आपका आपने ये निकाला वो भी ठीक है, लेकिन अब आपको इसमें क्या सीखना है कि यहाँ पर जो ईयर वाइज होते हैं, ठीक है, जैसे 1986, इसका भी फर्क पड़ता है। वो कैसे, सबसे पहली चीज़ तो जिन लोगों को एक नहीं निकालना आता वो मेरा वीडियो का पार्ट वन देखे, ठीक है? उसमें आपको सब समझ आ जाएगा कि हमने कैसे क्या किया है। और जिन्होंने ये निकाल लिया है, यहाँ तक आप पहुँच गए हो, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमने दिया, यहाँ आपको दिया हुआ है 7 अक्टूबर 2016। तो गाइस, इसको चेक करने के लिए यहाँ पर क्या है आपका कि हम हमेशा, जैसे कि जो 19वीं सदी वाले होते हैं, 1900 वाले, तो उसमें हमेशा जो है कोई चेंज नहीं होता। कहने का मतलब है, अब यहाँ तक हमने छोड़ दिया, हमने हर क्वेश्चन में, अगर 1900 वाली सेंचुरी होती है, ठीक है, 1900 है आपका, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 1986, 1926, 1996, यहाँ तक है, ठीक है? 90 इस ईयर में, इस वाले सदी में कोई भी चेंज नहीं होगा रिमाइंडर में। लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ आपको यहाँ क्या करना है और कैसे ध्यान में रखनी है चीज़ें। तो मैं इस स्क्रीन को क्लियर करती हूँ और आपको फिर से समझाती हूँ कि अब आपको क्या करना है। तो ये देखिए गाइस, सबसे पहली चीज़ मैं आपको कुछ लिखवा रही हूँ, या आप नोटबुक में अपने नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ लिख लीजिए 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2200 2300। अब देखिए गाइस,
1900 वाले ईयर में आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है? दो आपके 100 साल तक कोई भी चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1901, 1902, 1999 तक कोई भी चेंज नहीं होगा रिमाइंडर में, ठीक है? अब ये जो बढ़ते जाते हैं, आपको कैसे करना है कि ये जो सीक्वेंस चलता है, ठीक है, 6, 4 और 2 के में चलता है, +6 हो जाएगा रिमाइंडर में। अगर इसमें +4 +2, ठीक है, और यहाँ +0, 642, 642, 642, इसी तरीके से आपकी चीजें चलेंगी। +6 +4 +2 और 2300 +0, ठीक है? अब इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, मैं आपको फिर से करके बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 7th अक्टूबर 2016 लिया है आपने, तो 7th का 7 लिख दिया आपने, अक्टूबर का कोड ले लिया आपने 1, 16 को उठा के आपने यहाँ लिखा 16, 4 से आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 4 आएगा, तो यहाँ आपने क्वेश्चन लिखा, सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद आ गया आपका 28, 28 के बाद आपको 7 से डिवाइड करना था, लेकिन अब आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो सेंचुरी है आपकी वाली, जो ईयर है आपका 2000 से लेकर 100 साल तक, ठीक है, 2099 तक आपका जो है वो +6 कर देना है आपको रिमाइंडर में, ठीक है? अगर सिमिलरली 2100 वाला जो है, 2100, 2101, 2102, 2199 तक आपको 4 ऐड करना है। अगर यहाँ पर आपका दिख जाएगा 20 दिख गया आपको यहाँ से, ठीक है, अब इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा +6, तो आप रिमाइंडर में ऐड कर दो +6, तो आपका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, 28 + 6 कितना हो गया, ये आ गया आपका 34, ठीक है? 34 को अब, इस 34 को आप डिवाइड करोगे 7 से, 34 को आपने 7 से डिवाइड किया, ये आंसर आपका आया 4, रिमाइंडर आपका 4 आया है, ठीक है, सॉरी रिमाइंडर आपका 6 आया है, ठीक है, 6 रिमाइंडर होगा। तो आपने, मैंने आपको बताया था, कोडिंग बताई थी, अगर 6 रिमाइंडर पे आपका डे पड़ेगा फ्राइडे, ठीक है? तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस होने हैं, मैं आपको और क्वेश्चंस कराती हूँ नीचे, ताकि आपको और अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मैं इस स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। ओके गाइस, तो अब हम चलते हैं नीचे और देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हमें अब करने हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है 15th अगस्त 2047। अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, हम स्टार्ट करते हैं। जिसको समझ में आ गया है वो साइड बाय साइड जरा मेरी वीडियो को प्लीज पॉज कीजिए और अपना आंसर निकालिए। 15th का 15 आ जाएगा आपका, ठीक है? अगस्त का मैंने आपको कोड बताया था क्या होता है, 3 होता है। फिर आपको क्या करना है, 2047, सबसे पहले आपने देख लिया कौन सी वाली का है, 2000 वाली सेंचुरी का है, तो इसमें आपको +6 ऐड करना पड़ेगा रिमाइंडर में, ठीक है? तो आपने क्या करना है, 47 को उठा के यहाँ लिख देना है 47, देन व्हाट यू हैव टू डू, इसको डिवाइड करो 4 से और यहाँ लिखो क्वेश्चन, तो आएगा आपका कितना, 47 को आप कर लीजिए 4 से, 4 1 4 0। ये तो आई होप आपको आता ही होगा कि कैसे कैसे डिवाइड करना है, 4 1 4, ठीक है, रिमाइंडर 0 है, क्वेश्चन उठा के आप यहाँ लिख दीजिए 11 आया आपका, इन सबको ऐड कर लीजिए आप, ये ऐड करने के बाद आपका आएगा 7 8, ठीक है, 16, और ये 7 4 5 6 76, ठीक है, 76 आया। अब आपको 76 को 7 से डिवाइड नहीं करना, प्लस इसमें आपका ऐड होगा 6 6, ऐड करके आपका कितना बना, 82, ठीक है, 82 यहाँ आ गया। अब इस 82 को आपको 7 से डिवाइड करना है, 82 को कीजिए आप 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड किया हमने, 7 1 7 1 7 1 7, ठीक है, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 5। तो जितना भी रिमाइंडर आया, मैंने आपको क्या बताया था, इसके कोड के हिसाब से 5 रिमाइंडर बचा है, तो 5 के हिसाब से आपका डे पड़ना चाहिए थर्सडे। तो इसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे गाइस। कहीं भी अगर आपने देख लिया ईयर आपका 1901 से, ठीक है, 1900,
1999, यहाँ पर नो चेंज होगा, नो चेंज। इसी तरीके से 100 100 के गैप के बाद 642, ये आपको ऐड करते जाना है। मैंने ऊपर आपको बता दिया था किस तरीके से होंगे। फॉर एग्जांपल 1500 वाले इसमें 1500 वाले ईयर में नो चेंज होगा, ठीक है। 1600 के ऊपर 100 साल तक प्लस 6 होगा, 1700 प्लस 4 होगा इसमें, ठीक है, और 1800। तो इसी तरीके से आपको साइकिल बढ़ाते जानी है अपनी। 6420 6420 में नो चेंज, ठीक है, 6420 6420। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा हमने कैसे करना है इसे। तो अब हम चलेंगे और नीचे और देखते हैं क्या और क्वेश्चंस कितने हैं और आपको क्या सीखना है इसमें। चलो गाइस, एक और क्वेश्चन आ गया है आपका और वो है 10th में 1857, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 10th में 1857 को। सबसे पहली चीज़ तो आप खुद कीजिए सॉल्व इसको कि कैसे करेंगे। वीडियो पॉज कीजिए और जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती है कर लीजिए। 10th में है आपका, 10th का आपने उठा के लिख दिया 10th। मे का कोड क्या था आपका? मे का कोड था आपका 2, ठीक है। अब ये कोडिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कोड कैसे चेक करना है। अगर आप चाहते हो मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ इसमें। नॉर्मल ईयर के लिए मैं लिख रही हूँ, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर चेक करना पहले ही बता दिया था, ये देख लीजिए नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। लीप ईयर क्या होता है? जब लास्ट की दो डिजिट्स आपकी चार से जब डिवाइड होती हैं उसको लीप ईयर बोल देते हैं, नहीं होती तो वो आपका नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर के लिए कोड था आपका 1440, ठीक है, 2503616, 2503616, ये नॉर्मल ईयर का कोड था आपका, ठीक है। अब आपका जो लीप ईयर का कोड है वो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ 03 लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है, 4025036146, जो कि है ये 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस 2, ये इस तरीके से आपको लर्न करना है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि आपका जो है मे का कोड क्या है। ये एज यू नो कि ये एक नॉर्मल ईयर है तो हम इसमें देखते हैं कोड क्या बनेगा आपका, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मे, ठीक है। मे के लिए 2 था आपका नंबर तो हमने यहाँ उठा के लिख दिया मे का कोड 2। उसके बाद आपको बताया गया था कि लास्ट के आपको यहाँ से दो नंबर लेने हैं 57 और उठा के लिख देना है यहाँ पर 57, ठीक है। इसको डिवाइड करो आप 4 से। जब आप 57 को 4 से डिवाइड करोगे 1 7 4 4 16, ठीक है, यहाँ 1 आएगा। मैंने आपको कहा था क्वेश्चन लिखना है आपको कि पूरा 4 से कितने पे डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है 14 टाइम्स। 14 लिखा आपने, सबको ऐड कर देना है 7 8 9 10 11 12 13 13 5 6 7 8 83 आपने लिख लिया। ओके गाइस, अब 83 आ गया। अब आपने क्या देखा, ये ईयर कौन सा है? 1800 वाला है। तो 1800 वाले में आपको मैंने बताया था प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, और वो क्यों होगा आपको मैंने फिर से मैं लिख देती हूँ जल्दी जल्दी से। तो आप ये देख लीजिए 1500 पे अगर आए ईयर हो तो कोई भी चेंज नहीं होगा 0, 1600 पे क्या होगा 6, 1700 पे 4, 1800 पे 2, 642, फिर आगे 1900 0, ठीक है। सिमिलरली 2000 वाले में फिर अगेन ऐसी साइकिल चल जाएगी 642 642। अब आपने देख लिया 1800 वाले में है तो इसमें 2 आएगा तो फिर 2 ऐड करना है आपको रिमाइंडर में। यहाँ पर आपने ऐड कर दिया 2 ऐड करने के बाद 85 आ गया आपका। अब इस 85 को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 7 से। 85 को आप करो 7 से डिवाइड, 7 1 7 1 15 7 2 14, ठीक है, यहाँ आ गया आपका 1। जो रिमाइंडर है आपका, रिमाइंडर आया 1, तो 1 किसका कोड था, आपने क्या देखा था, जो 01 कोड है वो है आपका संडे का, ठीक है। संडे का कोड 00 नहीं है, वो सैटरडे का कोड है 00, तो ये संडे का 01, तो आपका उस दिन पड़ा होगा संडे। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा अच्छे से, क्या फंडा है कैलेंडर का क्या नहीं है। मैं यही बोलूंगी जो इस वीडियो को आप देख रहे हैं, सबसे पहली बात वो मेरे पहले पार्ट 1 को देखिए, उसको समझिए कॉन्सेप्ट को, तब आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। चलो गाइस, अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि अब हम आगे इसमें क्या करें और कैसे करना है आपको और भी क्वेश्चंस, ठीक है।
देखिए, अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन कि टेल इफ 5th June 1960 वाज मंडे, इफ 5th June 1960 वाज मंडे देन व्हाट विल बी द डे ऑन 1st December 2020। अगर इस दिन 5th June 1960 को मंडे पड़ा था तो 1st December 2020 को क्या पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो आप ये सुन लीजिए, इसमें क्या होता है अक्सर कि ऐसे क्वेश्चंस में ना हमें चेक करना पड़ता है क्या इस दिन मंडे पड़ा भी था। ठीक है, अगर मंडे पड़ा होगा तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं पड़ा होगा और उसमें क्या प्लस माइनस करना है उसी बेसिस पे हमें यहाँ भी उसी हिसाब से प्लस माइनस करना पड़ेगा। वो कैसे मैं आपको करके बताती हूँ। तो अब स्टार्ट करते क्वेश्चन को। 5th जून, 5th का 5 का 5 यहाँ लिख लिया, जून का कोड क्या होता है आपका 5, जून की कोडिंग आपने लिख ली, 1960 है तो 60 उठा के आपने लिख लिया यहाँ पर 60। अब इसको 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 4 1 4, 4 5 20, तो 15 आपको क्वेश्चन आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको ऐड कर लेना है, 15 आ गया यहाँ पर, 6 7 85 जो है आपका यहाँ पर आ गया है। सबसे पहली चीज देख लीजिए 1960 दे रखा है, ठीक है, तो 1900 वाला ईयर है, तो 1900 वाले ईयर में मैंने आपको बताया था नो चेंज होगा, ठीक है, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर कुछ भी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सीधा सीधा करना है 85 को डिवाइड 7 से, 85 को अब जब 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 7 1, 7 2 14, अब आपका जो रिमाइंडर है वो है आपका 1। अब जब 1 रिमाइंडर है, अब आपने क्या देखा, 1 रिमाइंडर पे जो 1 कोड है वो किसका था, वो था आपका संडे का, ठीक है, संडे का कोड है 1, लेकिन आपका क्या लिखा हुआ है, इफ 5th June 1960 वॉज मंडे, मतलब आपका एक दिन बढ़ा दिया गया है। वैसे तो संडे पढ़ना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इस दिन मंडे पड़ा था, तो अब उसी हिसाब से आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा कि 1st December 2020 को क्या पड़ा था। तो वो कैसे आप करेंगे, सबसे पहली चीज 1st December के लिए आपको क्या करना है, 1st का 1 लिख लेना है, दिसंबर की कोडिंग आपको लिख लेनी है क्या होता है, यहाँ 6 होती है दिसंबर का कोड, ठीक है, 2020 को आपको उठा के लिख लेना है यहाँ पर, 4 से जब आप डिवाइड करोगे इसको, 4 5 20, यहाँ पर आएगा आपका 5, इन सबको आप ऐड कर लो गाइस, 6 7 8 9 10 11 12 2 और 3, 32, ठीक है, 32 आ गया यहाँ पर। अब आपने देखा ये 2000 वाला ईयर है, तो उसमें आपका कितना ऐड होना चाहिए, प्लस 6, ठीक है, क्योंकि 1900 वाले में 0 था, तो हमारा फिर नीचे 642 से शुरू हो जाएगा दोबारा से, तो इसमें आपको ऐड करना है प्लस 6। अब प्लस 6 क्यों ऐड करना है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया था पहले, तो उसको देख लेना। प्लस 6 जब आप ऐड करोगे तो आप यहाँ पर निकाल लो, प्लस 6 ऐड करके आपका आ जाएगा 38, ठीक है, 38 को अब आपने 7 से डिवाइड करना है, 7 5 35 और सॉरी गाइस, रिमाइंडर आएगा आपका 3, ठीक है, 7 5 35, आई होप दिख रहा हो, 3 आएगा रिमाइंडर। अब जो ये 3 है ये किसका कोड है, 3 था आपका ट्यूजडे का, ठीक है, 3 के आगे आप लिख लो ट्यूजडे, यहाँ हमने लिख लिया ट्यूजडे, पर हमने यहाँ क्या देखा था, एक दिन फालतू बढ़ा के इसमें दिया गया था क्वेश्चन में कि इफ 1960 वाज मंडे, निकला आपका संडे था पर मंडे दिया हुआ था, तो इसी वजह से आपने क्या कर देना है, 3 को ट्यूजडे था, आपको एक दिन बढ़ा देना है और यहाँ क्या लिख देना है, वेडनेसडे, यहाँ आ गया आपका वेडनेसडे, तो इस दिन आपका पड़ा होगा 1st December 2020 को वेडनेसडे, ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई होप। जिस हिसाब से भी आपके क्वेश्चन में जो पूछा हुआ होता है उसमें चेंज किया होता है वहाँ ऐसे ही आपको यहाँ चेंज कर देना होता है, अगर कोई चेंज नहीं है तो वेल एंड गुड, वरना जैसे ही इसमें चेंज किया होता है अगर एक दिन आगे बढ़ाया तो आप यहाँ पर भी एक दिन बढ़ा दोगे, 2 दिन बढ़ाए हैं तो 2 दिन बढ़ा दोगे, ठीक है, आई होप समझ आया होगा। मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ और अब हम चलते हैं नीचे कि अब हमें इसमें क्या क्या और सीखना है, बेसिकली तो आप वैसे सब कुछ देख चुके हो। अब गाइस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन अ नॉर्मल ईयर विच 2 मंथ्स हैव सेम कैलेंडर, एक नॉर्मल ईयर में कौन से 2 मंथ
सेम कैलेंडर शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा, नॉर्मल ईयर की कोडिंग आप देख लीजिए क्या है। नॉर्मल ईयर की कोडिंग है आपका 1440250 3616146। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से दो मंथ सेम कैलेंडर शेयर करते हैं, तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था, ये जनवरी के लिए, फरवरी के लिए, ये मार्च के लिए, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक ये फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो यहाँ फरवरी, मार्च और नवंबर हैं, ये सेम कैलेंडर शेयर करते हैं। जो जो भी नंबर इसमें रिपीट होगा, इसका मतलब है वो मंथ सेम कैलेंडर आपके शेयर करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 6 रिपीट हुआ है, आप 6 देख लीजिए किस किस का कोड है, तो ये दो आपके जो मंथ हैं वो रिपीट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है, तो नंबर कोड डाल के आपको चेक करना है। अब मैंने आपको बताया था ये नॉर्मल ईयर का है, और आप अगर लीप ईयर का आप देखो, पूछा जाए कि which two months have same calendar, तो लीप ईयर की जगह आपको 03 आगे का सेम, और चेक कर लेना है कि कौन कौन सी डिजिट्स रिपीट हो रही है, वो दोनों जो वही जो भी डिजिट रिपीट होंगी, ठीक है, उस मंथ का कैलेंडर आपका जो है रिपीट करेगा। मैं स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ और आगे चलते हैं, आप हमें क्या पढ़ना है देखते हैं। गाइज, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इस कैलेंडर चैप्टर में, वो ये हैं कि व्हेन विल कंप्लीट ईयर कैलेंडर रिपीट, जो कंप्लीट ईयर का कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, तो वो कैसे रिपीट होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी मान लो आपको ईयर दे रखा है, ठीक है, 1986, या फिर आपसे पूछा जाए कि 2021, कि इस ईयर का कैलेंडर जो है, जैसे कि मान लो 2021 में जनवरी को मंडे, ठीक है, और आपका ये 21 है ना, और दिसंबर को भी मंडे आएगा फिर इसमें, ठीक है। अगर मान लो इसमें जनवरी दिसंबर को मंडे है, तो आपका यही सेम पैटर्न, यही सेम कैलेंडर कौन से ईयर में रिपीट होगा, तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो लास्ट की दो डिजिट्स होती हैं उसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे ये है आपका, इसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, 21, 4 5 20 रिमेन, फिर आपको क्या चेक करना है कि रिमाइंडर क्या आया। अगर रिमाइंडर आपका 1 है, देन ऐड 6 टू द गिवन ईयर, इट विल रिपीट आफ्टर 6 ईयर्स। आपको क्या करना है, 6 इसमें ऐड करना है, इसका मतलब 6 साल बाद रिपीट करेगा इस मंथ का कैलेंडर, इस ईयर का कैलेंडर। अगर आपका रिमाइंडर जब डिवाइड करोगे आप, कोई भी अगर आपको ईयर दिया गया होगा, उस या तो रिमाइंडर 2 या 3 होगा, तो आपको 11 ऐड कर देना है उस गिवन ईयर के कैलेंडर में, उतने टाइम के बाद आपका ये सेम कैलेंडर रिपीट होगा। अगर आपका रिमाइंडर है आपका 0, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 28 ऐड कर देना है आपके रिमाइंडर में, और जो आपका कैलेंडर है वो 28 साल बाद जो है वो रिपीट करेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि कैलेंडर कब कब में रिपीट होगा, तो आपको इसी तरीके से करना है, लास्ट की दो डिजिट्स को करना है 4 से डिवाइड, रिमाइंडर देख लेना है आपका क्या आया है, और उस हिसाब से आपको ऐड कर देना है रिमाइंडर में, उतने टाइम बाद आपका सेम पर्टिकुलर ईयर का कैलेंडर जो है वो रिपीट किया करेगा, ओके। अब नीचे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं इस कैलेंडर चैप्टर में, और फिर आपका कैलेंडर चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, इसमें क्या है आपका, इसमें बस यही दे रखा है, मान लो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर आपका 31 दिन का मंथ है, ठीक है, अगर 31 मतलब 31 डेज का जो है आपका मंथ है, तो उसमें जो संडे है, ठीक है, जो संडे को जो डेट आएगी, ठीक है, वो आपका संडे आएगा, आपका 5 बार रिपीट होगा। उसके लिए आपने देख लिया होगा कि आपको कैसे कोड बनाने हैं, तो मैंने आपको यहाँ एक एग्जांपल लेके दिखा दिया है कि हमारा कैसे ये रिपीट होगा, ठीक है। अब जो पहले दिन जो आपका पड़ता है ना 31 डेज वाले में, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे को जो भी डे पड़ेगा वो जो है 5 बार रिपीट करेगा, ठीक है। 30 डेज वाले कैलेंडर में, ठीक है, 1 और 2 डेज वाला 5 बार रिपीट होगा।
फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने यहाँ पर क्या किया है, 30 डेज कर दिए हैं और संडे। अब आपने संडे क्या देखा, 31 डेज वाले में संडे जो है वो 5 बार आया है, मंडे 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है, ट्यूसडे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे 5 बार आए हैं, ठीक है। अगर आपने देखना है 30, अगर जिस कैलेंडर में 30 डेज हो उसमें कौन सा जो है ये डे कितनी बार रिपीट करेगा, अब आप देख लीजिए, जो पहले 2 दिन के में दिन आएंगे आपके वो करेंगे आपके 5 बार रिपीट 30 डेज वाले कैलेंडर में, ठीक है। और मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, अगर आपका 31 डेज का कैलेंडर है, 31 डेज वाला मंथ है, तो आपका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को जो भी दिन आएगा वो 5 बार रिपीट होगा। 30 डेज वाला अगर आपका कैलेंडर है तो जो आपका फर्स्ट और टू, 1 और 2 में आपका दिन आएगा, पहले 2 दिन, वो 5 बार रिपीट होगा। अगर 29 डेज वाला आपका कैलेंडर है तो देखिए, 29 डेज वाला अगर आपका कैलेंडर है तो फर्स्ट को जो आपका दिन होगा वो रिपीट करेगा 5 बार, ठीक है। और अगर 28 डेज का आपका मंथ है तो उसमें कोई भी दिन रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, 5 बार कोई भी दिन नहीं आएगा, ठीक है, 5 टाइम्स कोई भी दिन नहीं आएगा। तो बस यही सब था इसमें कि हमें कैसे क्या करना है, और इस बेसिकली इस चैप्टर में यही सब था, ठीक है। अगर सिमिलरली अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, एक मैं रफ सा कोई क्वेश्चन बता देती हूँ आपको, चलो गाइस अब ये आपका चैप्टर मेरी तरफ से खत्म है, पर एक रफ सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपको और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं गाइस कि इफ टुडे इज फ्राइडे, अगर आज फ्राइडे है तो व्हाट विल बी द डे आफ्टर 31 डेज, 31 डेज के बाद आपका कौन सा दिन होगा। अब इसके लिए आप सबसे पहले तो ये देखिए, 28 डेज तक तो आपका फ्राइडे, ठीक है, 28 आपका यहाँ आ गया, तो जो 29th दिन होगा वो आपका क्या होगा, फ्राइडे। आई होप बच्चों को समझ आ गया होगा, जिसको नहीं आ रहा उसको मैं बता दूँ कैसे, देखिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, 7 डेज आपके कंप्लीट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये वीक हो गया आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट होगा उसमें आपका फ्राइडे, 8th डे को आपको पड़ेगा फ्राइडे। तो सिमिलरली आपने 28 डेज यहाँ लिख लिए, 7 कंप्लीट हो गया, 7, 4, 28, ठीक है, 28 आपका निकल चुका। अब 29th को जो है आपको वो पड़ेगा फ्राइडे, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था किस तरीके से आपको करना है, 29th को जो फ्राइडे पड़ेगा, आप देख लो 30 को क्या पड़ेगा आपका फिर सैटरडे, 31st को क्या पड़ेगा संडे, तो 31 डेज बाद आपका कौन सा दिन आएगा। तो 31 डेज तो हमारे होगा यहाँ तक, 31 डेज के बाद पूछा है तो 32nd, जो 32nd डे होगा उसको आपका पड़ेगा मंडे, ठीक है। तो गाइज ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, इसी तरीके के आपको कैलेंडर में क्वेश्चंस मिलेंगे। अब मेरी तरफ से डाइस चैप्टर और आपके कैलेंडर चैप्टर जितना मैं करा सकती थी अपनी तरफ से मैंने करा दिया। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप करो प्रैक्टिस, ठीक है, तभी आपको एक चैप्टर जो है आएगा। ये कोर्स जितने भी मैंने बताए ये नोटबुक में लिख लो कहीं और इसको पढ़ाई करो, ठीक है, कोर्स याद होने बहुत जरूरी है, तभी आप कैलेंडर के जो है क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज तो बहुत टिपिकल हो जाता है। तो यही थी ट्रिक आपकी कैलेंडर को करने की। आगे और वीडियोस लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको बाकी सारी चीजें पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो टिल देन गुड लक टू यू, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आप प्रैक्टिस करो अपने, और चलो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। ओके गाइस, टेक केयर।